अब बड़ी खबर यह आ रही है कि इस मामले में एक आदमी को अरेस्ट कर दिया गया है। इस हमले का आरोपी इस हमले का जो आरोप है वो टीएमसी पर लग रहा है, क्योंकि इससे कुछ देर पहले सुशांत घोष ने बकायदा ये कहा था कि मुझ पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और अब टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष के कहे पर मारपीट मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ये मारपीट का आरोप लगा था, और उस वक्त की कुछ तस्वीरें शुरुआती दर्ज भी हुई थी। ये देखिए, ये सुशांत घोष चलकर आ रहे हैं, पीछे से किसी ने उनको धक्का दिया, उसके बाद एक पुलिस का जवान उनको साइड में ले जाता हुआ और फिर मामला हाथ से निकल गया। जमकर हंगामा वहां पर हुआ, हमला किया गया, और अब कहा यह जा रहा है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। ये शख्स कौन है इसकी जानकारी लेते हैं। कुंतल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कुंतल, कौन है ये शख्स जो गिरफ्तार किया गया है? सुशांता घोष सीपीएम के काफी प्रभावशाली नेता है, और पिछले कई वर्षों से वहाँ जिस इलाके में घटना हुई है वहाँ काफी प्रभावशाली नेता रहे, लेकिन अब आरोप ये है कि सीपीएम की तरफ से और मोर्चा की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। इस मामले में एक तृणमूल समर्थक को गिरफ्तार कर लिया गया है, खबर यही आ रही है वहाँ से वेस्ट मिडलैंड। कुंतल, वो तस्वीरें हमें दिखाई भी दे रही है, एक शख्स है हाथों में न जाने उसने क्या शायद बोतलें पकड़ी हुई है, उसके बाद वो गाड़ी पर उन्हीं बोतलों से हमला करने की कोशिश करता है, या फिर चप्पल है, मैं ठीक से नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मूवमेंट बहुत है वो कैमरा का। बहरहाल, अब मैं ये बता दूं कि एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जरा आपको पुरुलिया लेकर चलते हैं, जहां पर सुबह से पोलिंग हो रही है, पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी संख्या दिखाई दे रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बंगाल में जो सरकार बने वो उन्नति करे, इनके वोटों का आधार जो है वो काम है। रणवीर की रिपोर्ट आपके लिए। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी गर्मी है तो दूसरी तरफ मौसम भी गर्म हो चला है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे सुबह ही तेज धूप है, लेकिन इस तेज धूप में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने मौजूद हैं। मैं पुरुलिया में मौजूद हूँ, ये पुरुलिया का सदर विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर आप देखिए सुबह से ही कितनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो अपना वोट देने आए हुए हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और 1.5 घंटे के भीतर ही इस लंबी लाइन को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितने उत्साहित हैं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लोगों ने कुछ लोगों ने छतरियाँ ली हैं, तो कुछ लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा के आए हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। क्या सोच के वोट देते हैं ये मत बताएगा, किसको वोट दे रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं जो हम लोग को पश्चिम बंगाल को उन्नत करना चाहते हैं। हाँ, उन्नत करना चाहते हैं, इसी यही सोच के वोट देते हैं। अगर ये होगा तो 5 साल के बाद फिर चेंज करेंगे, अगर उन्नत नहीं होगा तो। बहुत अच्छी बात है, आपको आती है, आप बताइए क्या सोच के वोट देते हैं? हम लोग यही सोच के वोट देते हैं कि हम पश्चिम बंगाल अच्छे से डेवलप करें, और इसी सच के वोट देते हैं। काम पे वोट देते हैं कि काम पे? काम पे, काम पे देते हैं। आप इनसे पूछते हैं, हिंदी आती है आपको, क्या सोच के वोट देती हैं मैम, क्या चाहती हैं सरकारों से? सरकार से चाहते हैं सब कुछ अच्छा रहे, जिनसे डेवलपमेंट हो। हाँ, हाँ। तो नाम देख के वोट देती हैं कि काम देख? नहीं, काम देख के। काम देख, हाँ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि काम देखकर लोग वोट देते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, और अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो 5 साल बाद फिर से एक मौका आएगा और फिर से लोग सरकार बदलेंगे। इसलिए इस तरह की एक अच्छी तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर, एक सकारात्मक तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जहाँ पुरुलिया ज़िले में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, और वोटिंग शुरू होने के साथ से अब तक लगातार लोगों की लाइनें अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।